नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे का दृश्य देख रहे होंगे और आप पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे कि यह जगह कौन सी है। दरअसल यह है सुजानगढ़ का नव निर्मित निर्माणाधीन जो रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग है वो दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार यहाँ से होगा और ये बिल्डिंग जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका काम कुछ समय में पूरा होने वाला है, जिसका स्वरूप जो है वो अब निखरना हुआ स्वरूप नज़र भी आने लगा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम सुजानगढ़ के इस रूट से कंप्लीट हो चुका है और मालगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दौड़ने भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही ट्रायल पूरे होने के पश्चात इलेक्ट्रिक ट्रेन जो सवारी गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, इस रूट से गुजरेंगी। आज खास यहाँ पर जोधपुर डिवीजन उत्तर पश्चिम रेलवे की DRM श्री पंकज कुमार सिंह यहाँ पहुँच रहे हैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ, जो यहां पर हो रहे कार्य का इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और मेरे पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो बनकर लगभग तैयार हो रही है, स्वरूप नज़र आने लगा है और जो बाहर फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है, अंदर जो आंगन का काम है वो चल रहा है, स्वरूप कुछ कुछ नज़र आने लगा है और बाहर इसमें पर्याप्त मात्रा में आप देखेंगे कि बाहर जो है, पहले रेलवे स्टेशन के बाहर का जो एरिया था वो कंजेस्टेड एरिया था और अब कंजेस्टेड नहीं रहेगा। बाहर ये देखिए टावर लाइट लग चुकी है, ये पूरा सामने फुल चौड़ी सड़क यहाँ पर, डबल रोड यहाँ पर बन रही है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर होगी और साथ ही साथ ये देखिए जो पुराना बिल्डिंग है उसकी तरफ से ये जब आते हैं तो ये डबल रोड यहाँ पर भी डिवाइडर यहाँ पर निर्माणाधीन है, बन रही है, टावर लाइट यहाँ पर भी लग चुकी है, CC रोड यहाँ पर बन रही है, यानी कि काम जो है वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और निरीक्षण करने के लिए अभी रेलवे के समान अधिकारी जोधपुर डिवीजन के पहुंच रहे हैं। आइए सीधा रेलवे स्टेशन में वहां ले चलता हूं, जहां पर अधिकारीगण पहुंच चुके हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेज, फ्री सिंगापुर टूर, 100% तक स्कॉलरशिप। मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें mofmatrixedu.in। सेंट्रल चिल्ड्रंस एकेडमी, सुजलास फर्स्ट ग्रोइंग एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर स्पेशल निरीक्षण यान से जोधपुर डिवीजन उत्तर पश्चिम रेलवे के DRM समस्त अधिकारियों की टीम के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ICF ट्रेन में पहुंच रहे हैं। समस्त रेलवे के अधिकारीगण सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह आला अधिकारियों की टीम के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुंच चुके हैं। DRM पंकज कुमार सिंह के साथ सीनियर DCM विकास खेड़ा, सीनियर DOM लोकेश कुमार सिंह, सीनियर DEN मनोहर सिंह गोदारा, DTI जसवीर सिंह, TI सियाराम मीना, CMI मधुसूदन आसोपा, CMI वीरेंद्र सिंह चावड़ा, सीनियर DEE नितेश मीणा, SSE राजेंद्र शर्मा, SSE विशाल श्रीमाली, IOW सतीश चौधरी सहित रेलवे अधिकारी मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह जी का माला और साफा के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, लायंस क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, डॉक्टर प्रवीण लीलड़, पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद पंकज घासवलिया, पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद मनोज पारिक, कमल दाधीच, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, महामंत्री प्रकाश भार्गव, एडवोकेट विमल गोदारा, हिमांशु भाटी, और ज्ञापन देकर मांग उठाई जा रही है। सुजानगढ़ सालासर बालाजी खाटू श्याम जी नई रेल लाइन बिछाने का, जो रेलवे बोर्ड के द्वारा 21 फरवरी 2024 को सर्वे का आदेश जारी हुआ है, उस काम में गति लाने का निवेदन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस एक नई लाइन बनने से बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। सालासर बालाजी, सुजानगढ़ और खाटू श्याम जी के मध्य लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, ज्ञापन दिया जा रहा है और सालासर बालाजी की फोटो देकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सालासर बालाजी को रेल से जोड़ने का निवेदन किया जा रहा है, साथ ही नई ट्रेनों को चलाए जाने का भी इसमें ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जोधपुर गोरखपुर गांधीधाम अमृतसर, जोधपुर हनुमानगढ़, जयपुर से बीकानेर वाया रतनगढ़ सुजानगढ़ लाडनू चलाए जाने और अहमदाबाद चेन्नई का विस्तार किए जाने, बांद्रा तवी जम्मू तवी बांद्रा आदि के फेरे बढ़ाए जाने आदि कार्यों के लेकर मांग की जा रही है।
समस्या के कारण किया था। सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये सर्वे पूरा हो, लाखों की संख्या में श्रद्धालु सालासर आते हैं। ठीक है मैडम, मुख्य हमारी डिमांड यही है कि रेलवे लाइन का सर्वे हो जाए। हाँ, और कोई सुझाव जो यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको कोई और सुझाव आप? पहले सुझाव लिया गया है और मुझे लगता है कि जो एक साल के अंदर में इतना तेजी से काम हुआ है, इतना तेजी से कोई काम हो नहीं सकता है। अभी तक कभी नहीं हुआ। हाँ, आपको रेलवे मिनिस्टर साहब को, पीएम साहब को, सबको भारत सरकार की मतलब जो प्रक्रिया है वो यही है। जो आपकी एवियशन जो अमित भारत स्टेशन बन रहा है बहुत तेजी से बन रहा है सब जगह, और साथ में इसमें जो सारी फैसिलिटी है एकदम पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। अच्छा वेटिंग रूम है, बड़ा मतलब इंट्रेंस ही बहुत बड़ा है, बड़ा हॉल है, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा है, वरना पहले बहुत छोटा सा ये था। तो ये पूरे तरीके से किया गया और यहाँ पर तो बहुत खास है कि मार्केट के साथ में इससे पूरा स्पेस देकर के इधर बनाया गया है। पूरी पार्किंग की सुविधा रहेगी, अभी पार्किंग सुविधा नहीं है सर, वो बहुत सही बनाया गया। सर्वे को लेकर थोड़ी सी गलती बनाई, फरवरी में होया हुआ था सर्वे, ऑर्डर हुआ है। रेलवे अधिकारियों का दल इंस्पेक्शन के लिए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। सभी तरह की सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। स्टेशन अधीक्षक बीएल शर्मा जानकारी ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर घूमकर समस्त यात्री सुविधाओं और समस्त चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से नई रेलवे की बिल्डिंग बनाई जा रही है, नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, कोच गाइडेंस, समस्त यात्री सुविधाओं का विस्तार यहां पर किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए आला अधिकारी पंकज कुमार सिंह डीआरएम जोधपुर के साथ सभी आला अधिकारियों का टीम यहां पर पहुंचा है। और साथ ही सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से स्टेशन अधीक्षक बीएल शर्मा, बुकिंग पर्यवेक्षक धन सिंह स्टीफन और आरपीएफ थाना अधिकारी ओम प्रकाश गुदारा और रामकरण आरपीएफ कांस्टेबल साथ साथ में चल रहे हैं। समस्त अधिकारियों की टीम पूरे रेलवे स्टेशन परिसर और नई बिल्डिंग का परिसर जहां पर बनाया जा रहा है घूमकर निरीक्षण किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और नई बिल्डिंग यहां पर बन रही है। करोड़ों रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहां पर नए स्टेशन और पूरा रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, और उसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए जोधपुर के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। डीआरएम पंकज कुमार सिंह, समस्त रेलवे के आला अधिकारी जोधपुर डिवीजन एनडब्ल्यूआर के यहां पर पहुंचे हैं, और जो कार्य यहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, यात्री सुविधाओं के विस्तार के जो कार्य हो रहे हैं, उन सभी का घूम घूम कर निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा घूमकर बिल्डिंग का निरीक्षण किया जा रहा है। नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निरीक्षण के साथ साथ जानकारी ली जा रही है समस्त विकास कार्यों की। वेटिंग हॉल का निरीक्षण किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है अधिकारियों से। रेलवे स्टेशन का नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, नए बिल्डिंग डेवलपमेंट का निरीक्षण करते हुए तमाम अधिकारीगण और नई बिल्डिंग का प्रारूप नज़र आने लगा है। इसका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, पूरी जानकारी ली जा रही है। जोधपुर डिवीजन डीआरएम पंकज कुमार सिंह जी यहाँ आला अधिकारियों की समस्त टीम के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर जो आप निरीक्षण करने के लिए पहुँचे, क्या निरीक्षण यहाँ पर किया और क्या जो कार्य चल रहे हैं उससे संतुष्ट हैं सर? देखिए, यहाँ पर का कार्य जो है वो अमृत भारत स्टेशन के तहत ये स्टेशन बिल्डिंग का और सारी फैसिलिटीज़ का काम चल रहा है,
जो कि अब एक साल के अंदर ही इसका पूरा स्वरूप बदल गया है, जैसा आपने भी हमें फीडबैक दिया, और ये बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से काम हुआ है। और जो डेवलपमेंट फाइनली स्टेज में आया है, अभी मुझे फीडबैक भी मिला है पब्लिक से, उन्होंने बहुत काफ़ी खुश हैं लोग, तो ये आपको बहुत बधाई है। और साथ में जो ये निरीक्षण करने आए हैं, वो इसमें टोटल कोई और ऑल्टरेशन करना है कि नहीं करना है, तो हमें लग रहा है कि अभी नहीं है, अगर फिर भी कोई सुझाव है तो बताया जा सकता है। और साथ में जो हम लोग पूरी टीम इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है, वो सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है कि ट्रैक की कंडीशन क्या है बारिश के समय, और फिर इसके अलावा भी जो स्टेशन पे हमने सारे स्टेशन कवर किए हैं, डिगाना से लेकर के और आपका रतनगढ़ सेक्शन में पूरा कंप्लीट किया है हम लोगों ने। और स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर हैं वो किस ढंग से कार्य कर रहे हैं, जो हमारी मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से हो रही है, तो और ट्रैक की कंडीशन ओवरऑल कैसी है वो देखने हम लोग मेन लिया। इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, मालगाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चलनी शुरू हो चुकी है, कब तक सवारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चलने की संभावना है? ये अभी आपने देखा होगा कि अभी डेली कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे जा रही हैं, और अभी हमारा फोकस सिर्फ फ्रेट ट्रेन पे है, और अब इसके बाद में जो पैसेंजर ट्रेन्स पे जाएगा, क्योंकि इसके साथ में जो आपने देखा है इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इसमें ढेर सारी और बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब भी काम चल रहा है, उसकी रिलायबिलिटी एक बार इंश्योर हो जाती है, तो धीमे धीमे पैसेंजर ट्रेन और मेमू भी यहाँ पर जरूर आएगा। सर, छापर रोड रेलवे फाटक पर स्वीकृत ROB का कार्य कब तक शुरू होने का संभावना है? ये कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा, इसमें सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और इसमें मैं फिर निर्देश देता हूँ, ये जल्दी से कार्य और भी तेज़ी से चलेगा। सर, जो खाटू श्याम जी साला सर सुजानगढ़ जो सर्वे है नए रेलवे लाइन का, जो 21 फरवरी 2024 को रेलवे बोर्ड मंत्रालय के द्वारा आदेश सर्वे के जारी हो चुके हैं, उस पर कब से काम शुरू हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ही वेटिंग है और लाखों लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला है। देखिए, कोई भी नई रेलवे लाइन होती है तो उसमें ना बहुत चरणबद्ध तरीके से कार्य होता है, बहुत सर्वे होते हैं, लैंड एक्विजिशन होता है, और उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो उस प्रक्रिया के दौर से अभी ये गुजर रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय रेल जिस ढंग से भारत सरकार के निर्देश हैं, वो बहुत तेज़ी से कोई भी कार्य हो रहा है, तो ये कार्य भी अवश्य तेज़ी से होगा। बिल्कुल, कुछ नई ट्रेनों को लेकर के भी सर डिमांड यहाँ पर लगातार आपके पास भी पहुँचे होंगे बहुत सारे लेटर, और हमारे पास भी पहुँच रहे हैं सर, कि जिस तरह से यहाँ पर जो अहमदाबाद चेन्नई है जिसका विस्तार किया जाना था, गांधी धाम जो अमृतसर जो ट्रेन है, और चाहे जोधपुर से गोरखपुर ट्रेन पर अभी हमें भी रेल मंत्रालय की बनी है, तो क्या ये ट्रेनें कब तक चल सकती है सर? देखिए, ट्रेनों को चलाने का वो एक प्रक्रिया है, जिसमें कि ट्रेनों की मेंटेनेंस करीब 4500 किलोमीटर पे ट्रेनों का मेंटेनेंस भी होना चाहिए, और वो जिस रूट से आप चलाते हैं और कहाँ तक जाती है तो उसी के अंतर्गत उसे किया जाता है। तो अभी ढेर सारी फैसिलिटी क्रिएट हो रही हैं, बाड़मेर में क्रिएट हो रहा है, जैसलमेर में क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही ये सब फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, जहाँ पर कि पूरी ट्रेन 24 कोच की जो ट्रेन है उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और जैसे ही वो डेवलप हो जाता है तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से चलेंगी। और आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से मतलब बन रहे हैं, डबलिंग हो चुका है, फुलेरा सेक्शन का जोधपुर टू फुलेरा वो डबलिंग हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका अगले बहुत जल्द अगले एक महीने के अंदर में वो ट्रेनें चालू हो जाएंगी, तो अपने आप कोई ना कोई नई ट्रेन और स्टॉपेजेस बढ़ेंगे। जो न्यू बिल्डिंग सर बन रही है, क्या आप मानते हैं सर सही समय में काम हो पा रहा है या कि डिले चल रहा है सर? क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिनों से कि ये काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है सर। देखिए, ये जो आपने देखा होगा, इस जगह का जो काम हुआ है, ये एक साल के अंदर में ये पूरा बन के तैयार हो गया, और हमें लोगों ने फीडबैक दिया कि ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और इसकी गुणवत्ता और इसकी सुंदरता भी बहुत ही अच्छी है, और साथ में जो इसकी फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, जो हम खड़े हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है इसका, और साथ में पोर्च बना हुआ है जिसके अंदर में कि आप सीधे एंटर कर सकते हैं, और ये पूरी सर्कुलेटिंग एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और ये मुझे लगता है सुजानगढ़ के हिसाब से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये पहला काम ऐसा हो रहा है भारत आज़ादी के बाद ही, पहला ये रीडेवलपमेंट का ऐसा बड़ा काम हो रहा है, और साथ में ये सिटी सेंटर की तरह से डेवलप होगा, ऐसी भारत सरकार की ये नीति थी अमृत भारत योजना, और उसी के अंतर्गत बन रहा है। यहाँ एक 12 मीटर का FOB भी बनेगा जो कि दोनों साइड को कनेक्ट करेगा। आर्ट पार्क, यस जी जी बिल्कुल। सर, कब तक इसका काम का कुछ है कि डेडलाइन की ये काम कब तक हो जाएगा? क्योंकि एक जैसे मैं अन्य स्टेशनों पर सर देखता हूँ, जैसे रतनगढ़ चूरू में एक बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि फलां के द्वारा इस बजट से और इस योजना के तहत काम किया जा रहा है, बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन यहाँ स्टेशन पे कोई भी बोर्ड नहीं है कि ये कौन सी योजना के तहत है, कितने रुपए का काम है, कब तक पूरा होना है? इसमें हमने एक सर्वे किया था और लोगों को भी बुलाया था यहाँ पर पूरी कार्यक्रम करके, जिसमें हमने पूरी विस्तृत जानकारी दी थी कि ये प्रोजेक्ट किस तहत में हो रहा है, ये अमृत भारत योजना के तहत हो रहा है,
और कितने लागत से हो रहा है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने बताई थी और इसमें जनभागीदारी भी की थी जिसमें लोग सजेशन दें और यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि उन्होंने भी सभी लोगों ने सजेशन दिया था इसमें और वो सारा चीज़ इंकॉर्पोरेट किया हुआ है इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और DRM पंकज कुमार जी, पंकज कुमार सिंह, जिन्होंने खुल करके हर सवाल का जवाब दिया और रिडेवलपमेंट के बारे में बताया, साथ ही कुछ जो मुद्दे जो यहाँ के जनहित के जुड़े हुए हैं उन पर भी उन्होंने खुल करके बातचीत की। सुजानगढ़ लॉयंस क्लब के अध्यक्ष कमल जी तापड़िया यहाँ पर पहुँचे हैं और लॉयंस क्लब की तरफ से भी यहाँ पर डिमांड लेटर दिया गया है। यहाँ DRM सर से आप मिले हैं, सर किस तरह की क्या डिमांड रखी है? लॉयंस क्लब सुजानगढ़ की तरफ से हमने ये DRM साहब से एक अपील की है कि यहाँ से सुजानगढ़ सालासर शांतु श्याम जी होते हुए जयपुर के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए सर्वे के बहुत आदेश भी पारित हो चुके हैं, 21 फरवरी 2024 के आदेश हैं और चूंकि लोकसभा के चुनाव आ गए थे, आचार संहिता के कारण वो काम हो नहीं पाया था, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि इस पर ध्यान दें, वो तुरंत ये सर्वे करवाएँ ताकि यहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सके। और हर चीज़ के लिए हमें जयपुर जाना होता है लेकिन साधन ही नहीं है, हर वक्त बस पे या प्राइवेट साधनों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक तो ये मांग हमने रखी है, एक कुछ नई रेल शुरू करे सेवाएं, इसके लिए भी हमने कहा है कुछ को नियमित कर, जैसे आसाम वाली गाड़ी है, बॉम्बे 2 दिन जाती है सप्ताह में, उसको नियमित करे, हिसार बांद्रा, इनको नियमित करे, इस तरह की कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये हमने उनके सामने रखी है। यहाँ पर कुली की व्यवस्था नहीं है, वो भी हमने DRM सबसे कहा है कि कम से कम 2-3 कुली तो यहाँ पर हो ताकि बुजुर्ग लोग, उनको बड़ी असुविधा होती है, उसमें उनको आराम मिल सके। जोधपुर डिवीजन DRM पंकज कुमार सिंह समस्त अधिकारियों के साथ, NWR के सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर बन रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रही नई बिल्डिंग का भी उन्होंने अवलोकन किया, साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है उसका अवलोकन किया और घूमकर अन्य यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली और लोगों ने भी अपनी मांगे जो है स्टेशन संबंधी, नई ट्रेनों से संबंधी और नई रेल लाइन सालासर बालाजी खाटू श्याम जी सुजानगढ़ से संबंधित भी मांगे यहाँ पर उठाई गई। मैं नागेश कुमार कौशिक, रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ से, और DRM सर की जो स्पेशल ICF गाड़ी है जिसमें वो अब रवाना हो चुके हैं।